तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं चीज़ बस पिज़्ज़ा, जिसके लिए सबसे पहले मैं ये ईस्ट बनाने वाला हूँ, मतलब ईस्ट को एक्टिव करना है। तो ऐसा एक बाउल में मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेने वाला हूँ, गर्म पानी मतलब वार्म वाटर, जिसमें आप अपनी उंगली रख सके, इतना ही गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं रहना है। तो ये मेरे पास गर्म पानी है, तो ये मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ले रहा हूँ, और इस वार्म वाटर में मैं थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड करूँगा। अब हमें एक चम्मच से थोड़ा सा इस चीनी को पानी में घुमा लेना है, थोड़ा सा चीनी जो मेल्ट हो जाए, ताकि हमारा ईस्ट को एक्टिव होने के लिए हेल्प मिले। तो आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसे घुमा लिए हैं। अब इसमें हम ईस्ट ऐड करने वाले हैं। तो ये मेरे पास ड्राई ईस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा, और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिला देंगे, और इसे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट में ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव के बाद ये थोड़ा फूल जाएगा, इसमें झाग झाग जैसा फोम हो जाएगा। तो अगर ये आपका नहीं होता है तो आप समझ जाइए आपका ईस्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, वो नहीं काम करने वाला। और 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर ये हो जाएगा तो आप समझ जाना कि आपका ये बिल्कुल सही है। मैं इसे ढक के छोड़ दूंगा और आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगा। तो दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं कैसा इसके ऊपर फोम जैसा हो चुका है, देख सकते झाग जैसा हो चुका है। मैं आपको एक बार चम्मच से इसे हटा के दिखाता हूँ, आप देख सकते कैसा ये गाढ़ा हो चुका है। ये ईस्ट पूरी तरह रेडी है अब हमें यूज़ करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ हमें आगे और क्या करना है, कैसे हमें अपना पिज़्ज़ा का डो बनाना है। तो ये मेरे पास मैदा है, जो 1 किलो मैदा है, मैं इसको बीच में थोड़ा छेद कर लेता हूँ, खड्डा कर लेता हूँ, ताकि हम इसमें अपना जो ईस्ट हमने एक्टिव करके रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे। और ये मैं कुछ 6 पिज़्ज़ा के करीब बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मेरा 1 किलो मैदा मेरा लगेगा, क्योंकि हम चीज़ बस बनाने वाले हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हम ये इसमें ऐड कर चुके हैं। अब ईस्ट ऐड करने के बाद ये मेरे पास दही है, आप ये देख सकते हैं दही, ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब मेरे पास दही है, तो वो दही भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा। दही डालने के बाद मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगा, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस हो उसमें भी थोड़ा टेस्ट रहे। तो नमक ऐड कर लेने के बाद मैं इन्हें अभी मिला लूँगा, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक अच्छा सा नरम सा डो लगाना है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सान लेने के बाद, आटा लगा लेने के बाद हमें कैसा डो चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पानी डाल के इसे अच्छे से नीड कर लिया है। हमारा डो ऐसा ही होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो दोस्तों ये राइज नहीं होगा, या तो कह सकते अच्छे से फूगेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसे चिपचिप कर रहा है, और हमें ऐसा ही डो चाहिए, क्योंकि अभी हमें इसे और नीड करना है। तो हम इसे प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, और प्लेटफॉर्म पर अच्छे से हम इसे नीड करेंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कैसे चिपचिप कर रहा है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, क्योंकि ऑयल हम पहले नहीं डालेंगे, अगर हम पहले से ऑयल डाल देंगे तो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो मैं इसके ऊपर अभी जाके ऑयल डालूंगा, और हमें इसे ऑयल डाल के अच्छे से वापस नीट करना है, क्योंकि इसमें जो खिंचावपन चाहिए, अपना इलास्टिकपन, वो नीट करने से ही आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पाम के थ्रू। तो आपको भी अपना पाम से एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ से इस तरह से इसे खींचना है। आप खींचेंगे तभी इसमें ग्लूटेन डेवलप होगा, और तभी हमारा पिज़्ज़ा अच्छा सॉफ्ट बनेगा, और एकदम ब्रेड की तरह टेक्स्चर आएगा, और वो अच्छे से फूलेगा भी। तो हमें इसी तरह खींचे तरीके, मुझे कम से कम इसमें 7 मिनट के आसपास लगेगा, या तो 10 मिनट के आसपास भी लग सकता है, बट इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं पहले इसे अच्छे से ऐसा इसका जो ग्लूटेन है उसको तेलबप कर लूँगा, एंड इसे रेडी करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 7-8 मिनट के बाद ये रिज़ल्ट क्या है, कितना अच्छा ये एकदम नीट हो चुका है, स्मूथ हो चुका है, और आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो ये हमारा पूरी तरह रेडी है गुन के। और अब हम ऐसा एक बोल लेंगे, बोल में ये ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा, और ऑयल से पूरे बोल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और इसी में हमारा अपना डो हम जो बनाए हैं उसे इसमें रख देंगे, जो अच्छे से राइज हो, अच्छे से फूल जाए, तभी हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो हम पहले इस बोल को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और अब हम इसी बोल में हमारा जो डो बना के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा डालूंगा, और ऑयल को भी हम हाथ से फैला लेंगे, ताकि जो इसका ऊपर का लेयर है
वो ड्राई ना हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट रहे और इसका जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही लॉक रहे। तो ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद एक ढक्कन से हम इसे ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे में आप देख सकते हैं इसका साइज़ डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। मैं आपको फटाफट बना के दिखाता हूँ एकदम टेस्टी और एकदम आसान तरीके से पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक ऐसा फ्राई पैन ले रहा हूँ, इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, अब मैं इस फ्राई पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच मैं यूज़ करूँगा और इसे ऐड कर लेने के बाद हम थोड़ा इसे भी गर्म होने का इंतज़ार करेंगे पहले। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ये बस 20 से 22 कलियाँ लहसुन है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और लहसुन के साथ साथ मैंने बारीक चॉप किया हुआ कांदा रखा है, वो भी इसमें 1 कप ऐड कर दूंगा। अब हम इसे धीरे धीरे स्टर करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे थोड़ा सा कुक करना है पहले। दो से ढाई मिनट हो गया है मुझे कांदे को और लहसुन को कुक करते हुए। अब मैं इसमें ये ओरिगानो है वो ओरिगानो 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूंगा और ओरिगानो से हमारा मेन पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर आएगा। तो अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करने वाला हूँ, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ये भी है। अगर आप तीखा कम खाते तो आप थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। और इस चिली फ्लेक्स के बाद मैं साथ ही साथ पेपरिका भी यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास पेपरिका तकरीबन 2 टेबल स्पून है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा। और पेपरिका ऐड कर लेने के बाद इन सबको हम थोड़ा सा मिला लेंगे और जो हमारा मसाला है उसको भी ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर ही निखर के बाहर आ जाए और हमारे जो सॉस का फ्लेवर है वो और भी बढ़ जाए। तो ज़्यादा नहीं, इसे एकदम लो फ्लेम पे हमें ये सब करना है, मसाला मिलाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। उसके ऊपर आप ना करें वरना मसाला हमारा जल जाएगा। तो ज़्यादा मैंने नहीं किया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करने वाला हूँ। ऐसे मैंने टमाटर को 1 में से 2 हिस्सा करके रखा है और जो इसका ऊपर का जड़ वाला हिस्सा होता है इसे मैंने काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये बस तकरीबन 5 टमाटर है। तो हम टमाटर डालने के बाद मसाले को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे टमाटर में भी अच्छे से पूरा कोटिंग हो जाए ऑयल का, मसाले का। इन सबको हम मिलाएंगे और उसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे इसे कुक होने को रख देंगे ढक्कन लगा के। पहले मैं इसे मिला लेता हूँ। मसाला अच्छे से टमाटर में लग चुका है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने रखूँगा। स्लो फ्लेम पे रखने से ये काफ़ी अच्छे से फ्लेवर पूरा देगा आपको। तो हम इसे अब स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। हम ढक्कन हटा के देखेंगे हमारे ये टमाटर क्या हाल है। तो हमारा टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं स्पैचुला से इसे हिला के देख लेता हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर है उसका स्किन रिमूव हो रहा है, मतलब ये एकदम सही स्टेज है हम कि इस पे नमक ऐड कर सके। तो आप देख सकते हैं दूसरा टमाटर का स्किन भी निकाल के दिखाता हूँ, ये भी अच्छे से निकल जा रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट है। इस टाइम पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और सॉल्ट के बाद मैं इसमें टमाटो केचप ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून, और टमाटर केचप के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब विनेगर ऐड कर रहा हूँ। विनेगर से इसमें थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आएगा क्योंकि मेरा टमाटर ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए मुझे ऐड करना पड़ रहा है। अगर आपका टमाटर खट्टा हो तो आप ऐड मत कीजिएगा, आप स्किप कर सकते हैं इसे। बट मुझे ऐसे भी थोड़ा टैंगी सॉस पसंद है अपने पिज़्ज़ा के लिए, तो मैं इसमें विनेगर ऐड कर रहा हूँ। और विनेगर के साथ ही साथ मैं 1/2 टेबल स्पून के करीब शुगर भी ऐड कर रहा हूँ इन सबको बैलेंस करने के लिए। अब हम इन सबको एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे फिर से थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही ढक्कन लगा के कुक होने को छोड़ देंगे। तो 5 से 6 मिनट बाद मैं वापस ढक्कन हटा के देखूंगा। आप देख सकते हैं हमारा टमाटर काफ़ी अच्छे से गल चुका है। मैं आपको एक बार स्पैचुला से हिला के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका पूरी तरह ये कुक हो चुका है। तो हमारा जो ये टमाटर है पिज़्ज़ा का सॉस है वो पूरी तरह रेडी है। बस हमें अभी इस स्टेज पे गैस को ऑफ करना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है क्योंकि अभी हमें इसे मिक्सी जार में पीसना है तो गर्मा गर्म हम इसे पीस नहीं सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने का थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे।
तो दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं ऐसा एक मिक्सी जार ले रहा हूँ और इसमें जो हमने ये सॉस बना के रखा था ये पूरी तरह इसमें ऐड कर लूँगा। अब हमें इसका ढक्कन लगा के अच्छे से पीस लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो हमने सॉस बनाया था पीस के हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका और कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है, हम आगे प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा डो का क्या हाल है। तो ये ढक्कन हटा के मैं देख लेता हूँ। वाओ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो फुल के साइज़ में 2 से 3 गुना तक हो चुका है। तो हमारा डो पूरी तरह रेडी है, अब हम इसे निकाल के एक बार फिर से नीट कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म पे ये मैदा छिड़क रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा ये डो था इसे हम अच्छे से वापस एक बार नीड करेंगे, क्योंकि ये फूल चुका है तो ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे हैंडल करने लायक बनाना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका इलास्टिकपन है, कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो हमारा पिज़्ज़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है ये। बस हमें इसे एक बार अच्छे से नीड करना है और हमारा डो बनाने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उस डो से सबसे पहले एक रोटी बेलनी है, उसके लिए मैं मैदा वापस प्लेटफॉर्म पर छिड़क लूँगा। उसके बाद मैं एक हमें जितना रोटी बनाना है उस हिसाब से एक ऐसा आटे का गोला ले लेंगे। अब हम इसे अच्छे से बेलने से बेल के एक अच्छा सा गोल रोटी शेप बनाएंगे। हमें उतना बड़ा ही इसे बेलना है, जिस ट्रे में आप इसे बनाएंगे उसके साइज़ का ही होना चाहिए, बल्कि उसके थोड़ा सा छोटा हो तो अच्छा है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से बनाइएगा जितना बड़ा आप ट्रे में बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो गाइज मेरी रोटी बेल के हो चुकी है, ये मेरे पास फोक स्पून है, इस फोक स्पून से मैं इस रोटी में पंच कर लूँगा ताकि हमारे जो रोटी है कुक करते टाइम ये फूले ना और इसमें बबल्स ना आए, क्योंकि हमें ऐसी चपटी ही रोटी चाहिए। तो ये मैं पहले पंच कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे कुक करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी चपटा तवा ले सकते हैं या जिस पे आप रोटी कुक करते हो हमेशा, उसमें आप कुक कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी रोटी थी, हमने जो बेली थी, इसे हम अच्छे से रख देंगे और इसे धीमी आंच पे, आपको एकदम धीमी आंच पे अच्छे से कुक करना है, धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट मत कीजिएगा कि हमें इसे चलाना नहीं है ना ही इसमें कलर आना है। बस हमें धीरे धीरे इसे जो कच्चापन है वो हटाना है और इसे थोड़ा सा कुक करके लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं आराम से घूम रहा है और हम इसे आराम से उठा के पलट भी पा रहे हैं। तो ये एक साइड से ये नॉर्मली अच्छे से कुक हो चुका है, हम इसे दूसरी साइड भी अच्छे से थोड़ा घुमा घुमा के इसे किनारों पर पका लेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मिनट के अंदर अच्छे से कुक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा फूल भी चुका है, तो इसे मैं किनारे से घुमा घुमा के पका लेता हूँ और इसे हैंडल करना इजी हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो हमारा जो ये रोटी है ये बन के पूरी तरह रेडी है, हम इसे अब उतार लेंगे गैस से। तो फ्रेंड्स मैं एक्चुअली पिज़्ज़ा इस प्लेट में पकाने वाला हूँ, आप चाहे तो इसे ऑयल से ग्रीसिंग भी कर सकते हैं या तो इसमें मैदा भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही डालने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो चिपकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से नीट कर लिया था। अब हम मैंने एक और रोटी ऐसे बेली है अपने प्लेट से थोड़ी लंबे साइज़ की, ताकि अच्छे से हम इसे कवर कर सकें। तो रोटी को मैं अच्छे से फैला लूँगा हर जगह से। अब जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है उसके लोअर साइड में फोक से अच्छे से इस पर छेद बना लूँगा, ताकि हमारा जो नीचे वाला पिज़्ज़ा है वो भी फूले ना और हमारा पिज़्ज़ा प्रॉपर बने। तो इस पर मैं अच्छे से छेद कर लेता हूँ हर जगह। तो अब मेरे पास ये चीज़ स्प्रेड है, हम इस चीज़ स्प्रेड को पूरे पिज़्ज़ा में अच्छे से फैला लेना है। तो ये मैं चीज़ स्प्रेड लेके पूरे पिज़्ज़ा का जो लोअर बेस है इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगा, पूरा अच्छे से लगा लूँगा हर जगह। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्रेड अच्छे से लगा लिया है। अब इस स्प्रेड के ऊपर जो हमने रोटी बेक करके रखी थी वो रोटी हमें इसके ऊपर रखनी है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी रोटी हमने कुक की थी कितनी अच्छी कुक हुई है। अब हम इसमें रोटी को अच्छे से इस पर रख देंगे और हमारा जो ये साइड है उस साइड को हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है, पूरी तरह अच्छे से पैक कर लेना है, ताकि जो हमारा चीज़ स्प्रेड है वो साइड से बाहर ना आ जाए। सारे किनारों को एक बार फोल्ड कर लेने के बाद आप एक फोक स्पून लेके चाहे तो सारे किनारों को ऐसे दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं,
ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए और हमारा जो चीज़ स्प्रेड है वो कुक करते टाइम बॉयल होके बाहर ना आ जाए। तो इस तरह मैं पूरे जो किनारे हैं उन सबको अच्छे से दबा लूँगा, प्रेस कर लूँगा और अच्छे से हमारा जो चीज़ स्प्रेड है उसको अंदर लॉक कर लेंगे हम। और अब मैं इसमें हमारा जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड करके अच्छे से पूरी तरह हम इसे फैला के लगा लेंगे हर जगह पे। तो गाइस सॉस लगा लेने के बाद ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, पहले वो मैं अपने बेस पर अच्छी तरह फैला लूँगा। उसके बाद हम टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए बस ये रेड चिली है जिसे मैंने अच्छे से स्लाइस में काटा है पतले पतले, वो मैं इसमें ऐसे प्लेस कर दूंगा एक एक करके। उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च को इस तरह ब्लॉक्स में काट के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। दोस्तों आप जो चाहे टॉपिंग इसमें डाल सकते हैं, अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है जो अच्छा लगता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। पनीर चाहे तो पनीर डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं या बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ अनियंस भी ऐसे काट के रखे छोटे ब्लॉक्स में, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ मेरे पास ये ब्लैक ऑलिव्स है वो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। हमारी टॉपिंग डाल देने के बाद मैं ऊपर से थोड़ी सी और मोज़रेला चीज़ ऐड करने वाला हूँ। क्या है ना, पिज़्ज़ा में चीज़ के बिना मज़ा ही नहीं आता है, तो जितना ज़्यादा चीज़ हो उतना ज़्यादा ही मज़ा आएगा पिज़्ज़ा खाने में। सबसे लास्ट में मेरे पास एक कॉर्न है जिसे मैंने उबाल के रखा था, वो भी मैं ऊपर से डाल दूंगा क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कॉर्न भी खाने में, वो भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह रेडी है, अब टाइम है इसे कुक करने का। तो दोस्तों मैं इस कढ़ाई में कुक करने वाला हूँ, ये बस नमक है, इस नमक को मैं डाल दूंगा इसमें। नमक को डाल लेने के बाद मैं थोड़ा सा हाथों से ऐसा फैला लूंगा ताकि हमारा जो हीट है वो इवनली हमारे पिज़्ज़ा को मिले। ऐसा फैला लेने के बाद मैं इसमें एक स्टैंड रखने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बस एक स्टैंड है जिसे मैं इसमें प्लेस कर दूंगा। अब हम इसे प्री हीट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फास्ट गैस करके छोड़ देंगे। अब मैं इस पर ढक्कन लगा देता हूँ ताकि हमारा ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। तो दोस्तों जब तक हमारा ये कढ़ाई गर्म हो रहा है या तो कहे प्री हीट हो रहा है, तब तक हम अपने किनारों पे बटर लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे मिल्क भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इधर बटर अप्लाई करूँगा ताकि जो हमारा किनारा है वो काफ़ी क्रिस्पी हो और काफ़ी अच्छा इसका कलर भी आए। तो मैं इसे अप्लाई करके साइड में रख दूँगा। तो दोस्तों मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। अब हमें एकदम संभाल के हमारे पिज़्ज़ा को इसे प्लेस करना है। अब अपने हाथ को संभालिएगा, ये बहुत गर्म होगा तो आपका हाथ ना जल जाए, और आप ध्यान रखिए कि ये कहीं से चिपका ना हो, एक थोड़ा सा इसे हर जगह से गैप मिले ताकि इसका जो हीट है अच्छे से पूरी तरह पिज़्ज़ा के ऊपर आ सके। तो मैं वापस ढक्कन लगा के इसे कम से कम 20 मिनट के लिए इसे वापस कुक होने के लिए छोड़ दूंगा। तो दोस्तों 20 मिनट के करीब हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा का चीज़ है वो पूरी तरह मेल्ट हो चुका है, वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है और हमारा जो ये पिज़्ज़ा साइड है वो भी काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं इसे निकाल के अभी साइड में रख लूँगा थोड़ा ठंडा होने के लिए। दोस्तों पिज़्ज़ा पकने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अंदर के चीज़ बहुत ज़्यादा उबल रहा होता है, इसलिए हम उसे काट नहीं सकते तुरंत। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तकरीबन 10 मिनट। अब ऊपर से हम ओरिगानो थोड़ा सा इस पर छिड़क देंगे और साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी इस पर ऊपर हम थोड़ा सा छिड़कने वाले हैं। अगर आप तीखा खाते हो तो डालिएगा, अगर आप ना खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हो पूरी तरह, बट पिज़्ज़ा के साथ थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है इसलिए मैं इस पर डाल लिया हूँ। अब हमें इसे अच्छे से काटना है, तो ये मेरे पास एक नाइफ है, हम नाइफ की मदद से इसे अच्छे से काट लेंगे। तो अगर आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर हो तो आप पिज़्ज़ा कटर के यूज़ से भी काफ़ी आसानी से इसे काट सकते हैं, बट मैं इसे नाइफ की मदद से काट रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने आराम से ये कट रहा है, कितना अच्छा ये कुक हुआ है, कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह रेडी है, इसे कट करते हैं और फिर मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ हमारा चीज़ कैसा हुआ है मेल्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह रेडी है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और आप देख सकते हैं किस तरह ये चीज़ बाहर आ रहा है। तो हमारा चीज़ भी अच्छे से एकदम मेल्ट हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगली बार फिर से किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।